सोहागपुर में कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी है। इसके विरोध में कर्णी सेना से एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम मौजूद नहीं थे, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बस स्टैंड के पास चक्कर जाम कर दिया, जिससे लोगों को आवाजाही करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्णी सेना और राजपूत समाज के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। उनकी जो निर्गम हत्या हुई है, एक तो उसको उसका हमको बदला चाहिए, प्रशासन उसका बदला ले या हमारे कवाले करे उनको, तो सालों हम उनको बदला लें और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आज आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया गया है? नहीं, अभी उनने राज्यपाल के नाम से अपने ज्ञापन दिया है, उन्होंने बोल दिया ऊपर पहुंचा देते हैं और अगले विगत 2 रोज के अंदर आपको हम सूचित करेंगे क्या कार्रवाई होगी। हमारे राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हुई है राजस्थान में, जयपुर में, उसको लेकर ज्ञापन है। आज राजस्थान बंद है पूरा, और आगे अगर हमारी मांगे नहीं माने तो पूरा हिंदुस्तान बंद है। छत्तीसगढ़ में लगातार